नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, बहुत बार हम सब ने कभी न कभी तो सुना होगा कि दुनिया के किसी न किसी देश में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, नाइजीरिया, सोमालिया, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ तक कि हमारे भारत में कई मर्तबा आतंकवादियों ने हमला किया है। और जब भी ये खुद कुछ आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते हैं तो उनके बचाव में तरह तरह की बातें की जाती है, जैसे कि ये कहना कि इन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर ना मिलना, या फिर ये कह देना कि ये एक मासूम स्कूल हेडमास्टर का बेटा है। ये लोग किसी ना किसी तरीके से आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं, और जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो उस आतंकवादी को मानसिक तौर से असंतुलित यानी पागल घोषित कर दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि ये जो इंसान है इसका आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक पागल इंसान है जिसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इस कारण से इसने अनजाने में ये अपराध किया है। दोस्तों, हमेशा इनके जैसे आतंकवादी संगठन के लोग ऐसे जगह और ऐसे माहौल को तलाश करते रहते हैं जहाँ पर आतंकवादी हमला होने की संभावनाएं कम होती है, ताकि वहां पर जाके एक कायर की तरह, एक डरपोक की तरह धोखे से और पीछे से हमला करते हैं। जी हाँ, यही इनका मॉडस ऑपरेंडी हमेशा रहा है, चाहे वो भारत में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो, या फिर दुनिया में किसी भी देश में हो, ये हमेशा पीठ पीछे और धोखे से हमला करते हैं। दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर के बाहर जो हमला हुआ, उस हमले में पकड़े जाने वाले आतंकवादी का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है, जो कि एक IIT ग्रेजुएट है। और इस आतंकवादी ने मंदिर के बाहर बैठे पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने के बाद इस्लामिक नारे लगाते हुए देखा गया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे देखेंगे किस तरीके से इस आतंकवादी को एक पागल होने का सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है, और उसको काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया और रिजवान अहमद साहब को भी देखेंगे। गोरखनाथ मंदिर में बड़ा हमला करने की कोशिश हुई है, यानी एक लड़का जिसका नाम है अहमद मुर्तजा अब्बासी, उसने अटैक किया गंडासा लेकर गोरखपुर मंदिर में और पुलिस वालों को घायल कर दिया, और अल्लाह अकबर वो चिल्ला रहा था और उसके बाद उसने हमला किया। अगर वो मेंटली साउंड है और उसने ये हरकत की है तो ये कंडमनेबल है। ये मेंटली अनसाउंड का नैरेटिव कहां से आया? वो पेशे से, मतलब वो पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, मैंने अभी पूरा उनका ताल्लुक कराया, वो क्या क्या कर रहे हैं। अहमद मुर्तजा अब्बासी जो अल्लाह अकबर कह के हाथ में गंडासा लेके आगे बढ़ गया था, वो IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, यानी दिमाग से तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग में कोई तकलीफ नहीं है। सुनिए, हमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला 2017 से उसका इलाज चल रहा है, और अगर वो बीमार नहीं है, उसने ये हरकत की है, तो हम इसको न सिर्फ कंडम करते हैं बल्कि कहते हैं कि इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। किसी के मजहबी इधारों पर, मस्जिद पर हमला और, करने वाले और जो ऐसा करके गर्दन उड़ा रहे हैं वो भी मेंटली तौर पर बीमार ही है, जो ऐसे करके बम फोड़ रहे हैं वो भी मेंटली तौर पर बीमार ही है। बिल्कुल, जो लोग मेंटली नहीं वो शैतान हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा मेंटली अनस्टेबल है, ये रमजान में इफ्तारी में छुरा लेके नहीं गया, मंदिर चला गया। अनस्टेबल है लेकिन मस्जिद नहीं गया, मंदिर चला गया। वैसे आपकी पैनल पर भी एक दो लोग अनस्टेबल हैं मेंटली, है ना? तो हमारी कम्युनिटी जब अपनी कोई हरकत दिखाती है, और आपने कहा ना IIT केमिकल इंजीनियरिंग, ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेंटली आदमी अनस्टेबल है, जब उसको लगता है कौम हार चुकी है, कौम उन्नति में, तरक्की में, कंट्रीब्यूशन में अब हारा हुआ, कौम को पता चल गया है कौम हार गई है, ये कौम हारी हुई कौम का फ्रस्ट्रेशन है कि कोई कहता है मेंटली अनस्टेबल। अरे, मेंटली अनस्टेबल था तो किसी मस्जिद में चला जाता ना छुरेबाजी करने, मंदिर में काहे गया? आवाज बढ़ाइए रिजवान अहमद। कौम का तरीका बताऊं, कौम का तरीका बताऊं। जी जी, नौरात्रे चल रहे हैं, इसमें पैनल में जितने भी हिंदू बैठे हैं वो टीका लगा के नहीं आया, मीश देवगन टीका लगा के नहीं आया, लेकिन एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है, वो दिखाने के लिए कि वो अल्लाह वाला है, वो बहरूपिया, वो ढोंगी, वो टोपी लगा के बैठा है, ये भी एक अनस्टेबल होने की निशानी है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मुर्तजा अब्बासी ये एक कट्टरपंथी सोच दिखाता है,
और ये बड़े दुख की बात है कि एक धर्म विशेष है जहां पे इस कट्टरपंथी सोच को उस धर्म के लोग भी कट्टरपंथी सोच नहीं कह पाते। नफरत जहर इतना है इनमें है। कुछ लोग हैं जो अब मंदिरों में पहुंच के हाथ में फरसा लेके और हमारे पुलिस कर्मियों को घायल कर देते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। और दुख की बात यह है उसी धर्म के लोग आपके पैनल पे आते हैं और ये नहीं कहते कि ये गलत है, मेंटली अनस्टेबल है इसलिए पहुंच गए थे वहां पर। कहना ये चाहिए कि ये व्यक्ति एक कट्टरपंथी सोच रखता है, ये गलत है, फुल स्टॉप। ना लेकिन, ना वजह, क्यों हुआ, हालात का मारा, भाई हमारा, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन यहां कहा जाता है वो मेंटली अनस्टेबल है। कोई अभी दूसरे चैनल में बता रहा था गरीब है। मैं जो कहूंगा अभी यही वाक्य अगर मस्जिद में हुआ होता तो पूरा भारत हिल गया होता, सारे लोग निकल आए होते, यूएन में पत्र लिख दिया होता मुसलमान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, और यहां मंदिर में पुलिस कर्मियों को मार दिया गया और यहां लेकिन लेकिन बताया जा रहा है वो थोड़ा सा पगला है, शरारती है, नन्ना मुन्ना है। अरे ये कट्टरपंथी सोच को बंद होना होगा, गलत को गलत कहना होगा। अल्लाह अकबर के नाम पर अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो आपको नहीं लगता अल्लाह का नाम बदनाम होगा इससे? भगवान राम का लेकर नाम जिन्होंने लिंचिंग की उनका सपोर्ट किसको था? जय श्री राम पोर के किसने बम फोड़ा? जय श्री राम पोर के किसने गर्दनें काटी? आईएसआईएस क्या कर रहा है अल्लाह का नाम लेकर? अल्लाह अकबर कह के बम क्यों फट रहे हैं? अल्लाह अकबर कह के खुद अगर खुद गलत है तो दूसरे को गलत बता दो, चाहे वो भगवान। महादेव का नाम लेके, प्रभु राम का नाम लेके किसने बम कहां फोड़ा बताइए? ये बड़ा आसान है कह देना कि देखिए राम के नाम पर भी हो रहा है, अल्लाह के नाम पर भी हो रहा है, ये दोनों बंद होने चाहिए। लेकिन मुझे बताइए ना, प्रभु राम के नाम पर, महावीर के नाम पर, गुरु नानक के नाम पर, क्राइस्ट के नाम पर कहां हुआ है बताइए ना मुझे? हाँ, क्राइस्ट के नाम पर हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो आप मान रहे हैं कि राम के नाम पे नहीं हुआ? क्राइस्ट के नाम, आप मान रहे हैं कि राम के नाम पे नहीं हुआ? तो यानी आपका लॉजिक ही गलत था। एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। ओके रिजवान, मैंने डिबेट शुरू होने से पहले ही कहा था आपके चैनल पर मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। एक मेंटली अनस्टेबल ने तो यह कह दिया वो चाकू चलाने वाला मेंटली अनस्टेबल था, और दूसरे जो सीनियर हैं उन्होंने क्या कहा? दोनों तरफ आग लगी है, ये जो हरिद्वार में हुआ उसका रिटेलिएशन लगता है। आप इनकी लॉजिक देखिए, आप इनके तर्क देखिए, ये कौम के पढ़े लिखे लोग हैं, और आप इनकी भाषा देखिए, इनके बहाने देखिए, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु देखिए। अरे ये समाज की बीमारी है, समाज की बीमारी। ओके ओके, अतिक जवाब, अतिक जवाब, 40 सेकंड के अंदर जवाब। अतिक रहमान, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, एक सेकंड। देखिए अमीर जी, दिक्कत पता है कहां आती है? जब हम लोग मिर्ची को बताने लगते हैं कि चीनी की तरह मीठी है। ये सच्चाई है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सहिष्णु कोई है तो वो हिंदू है। ये भी सच्चाई है कि जो मुसलमान भाई हैं कोई सब आतंकवादी नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है 99.99% जो आतंकवादी विश्व में मिलते हैं वो इस्लाम के होते हैं, कट्टरपंथी सोच के होते हैं। बदकिस्मती से इन लोगों की हनक और ड्रामे वहीं चलते हैं जहां ये अकलियत में होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था अमीश भाई, कितने दिन हो गए सायरा बानो की ट्रिपल तलाक खत्म करा के दिखाओ, शाबानों को मुआवजा दिलवा के दिखाओ, 370 हटा के दिखाओ, हिजाब पे पाबंदी लगा के दिखाओ, राम मंदिर बना के दिखाओ। अरे ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। आपकी चैनल पर एक छोटा है एक बड़ा है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा। ये लोग जूते की भाषा समझते हैं। ठीक ठीक है, ये आपका वक्त है, लेकिन मैं भाषा की मर्यादा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक तो दें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।